अक्सर आपने बिहार के बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहते हुए सुना होगा, लेकिन अब यहाँ पर फर्जीवाड़ा भी होना शुरू हो गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल गया नालंदा पुलिस का QRT जवान कमलेश कुमार 2021 में बहाल हुआ था। सूत्रों के अनुसार मूल रूप से गया के रहने वाला कमलेश ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई, अब पुलिस उसकी नियुक्ति की जांच करेगी। दूसरी ओर कमलेश के जेल जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, अब बर्खास्तगी भी तय है। 1 अक्टूबर को कंकड़बाग के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज केंद्र पर बहनोई मोनू दूसरी पाली में परीक्षा दे रहा था। कमलेश ने सेंटर पर आंसर की केवल बहनोई को ही भेजी थी। कमलेश ने इसके अलावा नालंदा और गया सेंटर पर परीक्षा दे रहे 6 अभ्यर्थियों को भी उनके मोबाइल पर आंसर की भेजी थी। सूत्र बताते हैं कि कमलेश के पास नालंदा और गया चेन के मार्फत ही आंसर की आई थी। 7 अक्टूबर को कमलेश के भाई की परीक्षा थी, कमलेश ने उसे भी पास कराने की सेटिंग कर रखी थी। पुलिस को कमलेश के मोबाइल से रुपयों के लेन देन का कोई हिसाब नहीं मिला। पुलिस ने उसके खातों का नंबर और अन्य डिटेल लिया। पुलिस को शक है कि उसने दूसरे के खाते में ऑनलाइन रकम मंगवाए हो। सूत्रों के अनुसार आंसर की का रेट परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले 30,000 रुपए तय किया गया था। 1 दिन पहले इसका रेट 1 लाख के आसपास था। द्वारका कॉलेज में परीक्षा देने वाले रजनीश के पास से भी आंसर की बरामद हुई है। रजनीश बख्तियारपुर का रहने वाला है, इसके पास से दरभंगा चेन से आंसर की आई थी। रजनीश अभी जेल में है। तो आपको बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में 2 साल पहले फर्जी तरीके से जो बहाल हुआ था कमलेश, आज उसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए, उसके खिलाफ बर्खास्तगी तो बिल्कुल तय है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।